नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो फिलहाल देखिए, 199 सीटों पर अब रुझान आने भी लगातार शुरू हो चुके हैं और शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। बहुमत के आंकड़े के पार बीजेपी पहुंच चुकी है, इस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही। फिलहाल एक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजस्थान विधानसभा चुनावों से जुड़ी। फिलहाल मतगणना जो है जारी है, 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी अपडेट दे दे, लगातार बीजेपी अब 105 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है, 105 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। कांग्रेस 79 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य को 15 सीटें मिलती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही हैं। तो देखिए, ये शुरुआती रुझान है, 199 सीटें टोटल सीटें विधानसभा की 200 हैं, लेकिन 199 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है, एक पर वोटिंग नहीं हुई है। और अब लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान में राज बदलेगा ये रिवाज तो फिलहाल जो बहुमत के आंकड़े हैं रुझानों में उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रिवाज तो बदलने वाला नहीं है। राजस्थान का ये रिवाज फॉलो होगा, यानी कि 1983 से 1993 से जो रिवाज चला आ रहा है कि एक बार कांग्रेस को सत्ता मिलती है, एक बार बीजेपी को सत्ता मिलती है। और अब जिस तरह से शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, उसमें बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त बनाई है, उससे समझ में आ रहा है कि रिवाज फिलहाल इन रुझानों को देखते हुए बदलने वाला नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगी। विकेश मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर इंडिया न्यूज राजस्थान में। सबसे पहले विकेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, रिवाज बदलने वाला है क्या, या फिर रिवाज जो है बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? स्वाति जी, ये अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी पिक्चर बाकी है पूरी, और पूरा रिजल्ट आएगा आप आने दीजिए। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, हमको विश्वास है। अशोक गहलोत जी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं लागू हुई हैं, जनता की आंखों में हमने देखा है जो प्यार है कांग्रेस के प्रति, 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान है और उसमें बीजेपी ने अब बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। राजकुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। धन्यवाद। राजकुमार की जगह रामकुमार मैडम, माफी चाहूंगी सर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, और कोई नहीं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, पोस्टल के रुझान इसमें ज्यादा है, ईवीएम के भी शुरू हो गए हैं, लेकिन रुझान ये जो आ रहे हैं, इनमें जो रुझान आ रहे हैं आने वाले समय में, जिस तरह का राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कुशासन रहा है और कुशासन, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सुशासन के यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो कार्य हुए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा मतदाताओं ने ये आशीर्वाद दे दिया है। और हमारा जो आकलन खुद का एनालिसिस है, प्रत्येक बूथ से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जिसका कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर बहुत एक्टिव होता है, उसको देखते हुए हमने एनालिसिस किया है कि हम पूर्ण बहुमत की ओर होंगे, और मैं समझता हूं कि 130 के आसपास हमारी सीटें आएंगी। बिल्कुल, और हम रुक करेंगे विकेश जी आपका। देखिए, वसुंधरा राजे झालरा पाटन से उम्मीदवार बीजेपी की, उनको जो है 10,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि इस बार जो आपने 7 गारंटियां दी है, आपको लगता है कि ये गारंटी जनता ने एक्सेप्ट कर ली है और अब जो है नतीजे आपके फेवर में देंगे? स्वाति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज गरीबों का कौन है, किसानों का कौन है, व्यापारियों का रहनुमा कौन है? आज शिक्षकों का देख लीजिए आप, युवाओं का देख लीजिए, महिलाओं के लिए देख लीजिए, कौन से फील्ड में कोई योजना बाकी रखी है? इतना काम करने के बाद जनता कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देगी? और कांग्रेस को वोट दिया है जनता ने, हमने देखा है पूरे राजस्थान प्रदेश के फीडबैक लिए कई जगह, तो मैं खुद चुनाव में फील्ड में रहा, और मैं उदयपुर संभाग से, छोटे से बांसवाड़ा जिले से आता हूं, लेकिन हमारे छोटे छोटे ट्राइबल जिले जो जयपुर से 600 किलोमीटर दूर है, वहां पर आप फील्ड में देखिए कि वहां पे क्या काम हुए हैं,
और लोगों को आज स्वास्थ्य का लाभ मिला है, शिक्षा का लाभ मिला है, हर प्रकार का बजट का लाभ मिला है। सिलेंडर केंद्र सरकार का 1100 रुपए का हमने 500 रुपए में कर दिया। महिलाओं को हर प्रकार की योजनाएं दी, युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए, लाखों नौकरियां दी सरकार ने। क्या कमी रखी और इतनी योजनाएं दी है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी दूसरे स्टेटों ने कॉपी की है। और कई बार तो प्रधानमंत्री ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है हमारे इलाके में आके, तो ऐसी बात नहीं है। आप पूरे परिणाम आने दीजिए, हम कोई बहुत पीछे नहीं चल रहे, एकदम सरकार की जो बनाने की दिशा वो आगे बढ़ेगी और हम 110 सीटों से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, 110 से 120 सीटें हमारी वापस आएंगी। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल दर्शकों को एक बड़ी अपडेट भी पहुंचा दे। देखिए राजस्थान विधानसभा चुनावों की बात की जाए, नतीजों की बात की जाए, तो झालरा पाटन से वसुंधरा राजे 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। जोधपुर के सरदारपुरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 7,083 वोटों की बढ़त हासिल हुई है। इसके साथ ही देखिए आमेर में चौथे राउंड में कांग्रेस के प्रशांत शर्मा को 5,573 वोट्स मिले हैं और शुरुआती रुझानों में बीजेपी के सतीश पुनिया को 5,271 वोट्स मिले हैं। 5 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। वहीं शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे हैं। गहलोत सरकार के 3 मंत्री पीछे चल रहे हैं। बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल भी पीछे चल रहे हैं। भीलवाड़ा विधानसभा से 7 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। रविंद्र सिंह भाटी आपको बता दें निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भीलवाड़ा सीट से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। राम कुमार जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। मैंने आपको सरकार जी जब पहले भी बताया, जो रुझान अभी आ रहे हैं उसके अलावा जो हमारा एनालिसिस है और जो भीलवाड़ा के अंदर देखा और अभी जो ही पूर्वी राजस्थान के अंदर पिछली बार इनके बहकावे में भटकावे में जनता आ गई थी, किसान भी आए, कुछ गरीब वर्ग भी आया, किसान वर्ग को झूठे आश्वासन दिए, युवाओं को दिए, लेकिन वहाँ पर जो हर जिला के अंदर हुआ, जितने अत्याचार बलात्कार के केस कहे, अपराधीकरण के जो केस हुए महिलाओं के साथ में और युवाओं के साथ में, जो इन्होंने अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है पेपर लीक को लेकर के। फिलहाल राम कुमार जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतगणना अभी भी जारी है। फिलहाल देखिए रुझान जो है लगातार सामने आ रहे हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते जा रहे हैं। राजस्थान की 199 सीटों पर नतीजे आने शुरू, रुझान आने शुरू हो चुके। 5 सीटों पर निर्दलीय चल रही आगे, इस तरह की बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। तो ये देखिए बड़ी अपडेट, गहलोत सरकार के 3 मंत्री पीछे चल रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल भी पीछे चल रहे हैं और भीलवाड़ा विधानसभा में 7 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये तमाम बड़ी अपडेट और पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल भी पीछे चल रहे हैं, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही। शुरुआती रुझान जो है ये इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं देखिए पूरे चुनाव के दौरान हर बार एक बड़ा सवाल कि राज बदलेगा या रिवाज, लेकिन जिस तरह के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, रिवाज बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राम कुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राम कुमार जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से पूरा भरोसा इस बार मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाया गया है, साथ ही देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमने देखा वहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार एक बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। 7 गारंटी जिस पर पूरा भरोसा है कांग्रेस को और इन गारंटीज को पर जनता को भी भरोसा है, ये बात भी लगातार मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये विश्वास के साथ में भी कहना चाहता हूँ कि इनकी जो गारंटियां हैं वो जनता ने शुरुआत में ही फेल कर दी है, क्योंकि इनका गारंटियां जिस तरह के लास्ट मोमेंट में ये लेकर के आए तो इससे जनता समझ गई कि ये ने पहले भी हमें गारंटी दी थी, लेकिन उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान प्रदेश की सरकार भाजपा हो या केंद्र की सरकार रही, लेकिन जो गारंटी दी जाती है, जो वादा किया जाता है, वो संकल्प से सिद्धि की ओर होता है, चाहे वो राष्ट्र के मुद्दे हों चाहे प्रांत के मुद्दे हों, उसमें हमने जो वादे किए उसको निभाया। और राजस्थान के अंदर जिस तरह का बेहाल इन्होंने इनकी कुशासन ने और भ्रष्टाचार ने कर दिया, तो हमने राजस्थान के लोगों को पानी के लिए पैसा भेजा, उसके बाद जल जीवन मिशन के अंदर भी आपने देखा कि हजारों करोड़ का घोटाला है, इनके मंत्री महोदय और मंत्री महोदय के अधीन जो इनके इंजीनियर है उनके घर पर जो छापे पड़े,
आपने देखा कि कितने करोड़ों के बारे में पैसे मिले, कितना भ्रष्टाचार हुआ, तो वहाँ यानी जनता के साथ में, राजस्थान की जनता के साथ में जो पानी जैसी चीज़ के लिए भी इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा, तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में और जिस तरह का भ्रष्टाचार को अखंड भ्रष्टाचार कहें, और जो अपराधीकरण, अपराधी क्यों बढ़ता है जब शासन कमज़ोर होता है, और शासन कमज़ोर क्यों होता है कि उनके अंदर होता है डर कि हमारी सरकार नहीं चले जाए, MLA कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और आए हर जिले के अंदर जिस तरह के अपराधीकरण के जो केस आए हैं, इनकी जो मैं कहूँ शीर्ष नेतृत्व पिछले दिनों दौसा जिले के अंदर आई, उससे कुछ दिन पहले नादौती के अंदर एक बच्ची के उसे 3:30 बजे करीब उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद में गैंगरेप होता है, उसको गोली मार दी जाती है, उसके बाद में उसको एसिड छिड़का जाता है, लेकिन उस एरिया के अंदर पूरी राजस्थान में 6-7 मंत्रियों की मुँह से आवाज़ नहीं हुई, और पूरे राजस्थान में जो 35,000 दुष्कर्म के क्रम रेप के केस हुए उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जो गृह मंत्री है उन्होंने अपनी जबान के ताले लगाए, तो महिलाएं जागी कि आपके ये मोबाइल जो दे रहे हैं और इन्होंने जो लास्ट में किया है, महिलाओं ने कहा कि हमारे आत्मसम्मान और सुरक्षा चाहिए, ये मोबाइल नहीं चाहिए, ऐसे वीडियो भी आए, तो मैं समझता हूँ कि इनके कुशासन के कारण और जो ये रुझान आ रहे हैं, निश्चित है कि हम राजस्थान में भी बहुमत में आएंगे और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। अच्छा विकेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात, महिला सुरक्षा का जिक्र जिस तरह से रामकुमार जी ने किया, और महिला सुरक्षा पर आपकी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, कोई ठोस कदम राज्य में, प्रदेश में नहीं उठाए जो एक मैसेज देने की कोशिश करती केंद्र में बैठी सत्ता को भी और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों को भी कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसका जो नुकसान है वो आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। स्वाति मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं की सम्मान में हमेशा कांग्रेस अग्रणी रही है। राजस्थान में, पूरे देश में पहली बार हुआ कि राजस्थान सरकार ने हर जिले में एक DYSP लेवल के आदमी की वहां पर महिला थाने तो बनाए, महिला थानों से ऊपर जाके DYSP लेवल के एक आदमी की नियुक्ति हर जिले में महिलाओं के लिए की, महिलाओं की सुनवाई के लिए। सर्वाधिक मामले अगर मान लो ये कहते हैं ना दर्ज हुआ, हमारे टाइम पे तो FIR दर्ज होकर उनके ऊपर कानून ने शिकंजा कसा और अपराधियों को जेल में भिजवाया। आप भूल गए क्या पिछले BJP का शासन, जब FIR भी दर्ज नहीं होती थी, कहां की बात। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में, 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, हमने कहा था, और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो उस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता, देखिए राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था, तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए, और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटी थी वो वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, उन्होंने BJP की बड़ी जीत का आश्वासन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए सूरज जो है वो पूर्व में ही उगेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जिनका ये कहना था, ये बयान सामने आया और जनता ने साथ दिया, रिवाज नहीं बदला, इस तरह का आश्वासन देते हुए वो नजर आए। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। विकेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए महिला सुरक्षा पर हम बात कर रहे थे और गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने कहा कि देखिए सूरज जो है वो पूर्व में ही उगेगा, यानी कि रिवाज जो है वो बदलने वाला नहीं है। देखिए जहां तक रिवाज की बात है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप पूरे आंकड़े आने दीजिए, और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, सबको पता है कि किसने क्या किया है और क्या क्या विरोध हुआ। केंद्र सरकार का राजस्थान सरकार को सहयोग नहीं मिला, इसके बाद भी कोरोना के 2 साल थे तो भी क्या कसर छोड़ी कांग्रेस की सरकार ने लोगों की सेवा करने में, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें दी जिनको कि दूसरे स्टेट कॉपी करने के लिए लगे हो, हमारे आंकड़े अदर साउथ के स्टेट भी मंगा रहे, कई राज्यों के जो है वो मंगाते कि चिरंजीवी योजना कौन सी है, यहाँ पर भामाशाह योजना कौन सी है, इस प्रकार से हमारे
जो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और हमारे अंग्रेजी माध्यमों की स्कूलें खोलने को लेकर और कई स्कीमों को कॉपी कर रहे हैं। निकेश जी, मैं रोकना चाहूंगी माफी के साथ आपको। देखिए, पल पल की अपडेट भी लगातार बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई, मतगणना से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए 199 सीटों पर मतगणना फिलहाल जारी है और इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है जिसमें सरदारपुरा सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है सरदारपुरा सीट को लेकर, जिसमें कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाती हुई रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है सरदारपुरा सीट से। वहीं 8,356 वोट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़त लगातार बनी हुई है। सरदारपुरा सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 8,356 वोट से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है सरदारपुरा सीट से। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, कांग्रेस की तरफ से बढ़त देखने को मिल रही है सीट से। तो 8,356 वोट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़त बनी हुई है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। वहीं देखिए, पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है लगातार तस्वीरें और साथ ही साथ देखिए इलेक्शन से जुड़ी हुई, मतगणना से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ विकेश जी और रामकुमार जी भी लगातार, दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ये भी, अब विकेश जी देखिए, अब हम अब सवाल करेंगे रामकुमार जी से। रामकुमार जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से हम देख रहे थे जब भी जनसभाएं की जा रही थी, जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा जिसपे को लगातार अपने चुनावी भाषण में शुरुआत जातिगत जनगणना से कांग्रेस कर रही थी। हालांकि आप जो है हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से लेकर आ रहे थे, आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना इस बार हावी पड़ी या फिर हिंदुत्व का आपका मुद्दा? देखिए मैडम, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म या इसको देख करके काम नहीं करती। वो विकास के आधार पर काम करती है और सबके लिए करती है, ये सिद्ध भी करके दिखाया। और ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया के अंदर जिस तरह का इनका सफाया हुआ है, इनके कर्मों से हुआ है, और उसके बाद में इनके पास में झूठ बोलने के अलावा तो कोई काम होता नहीं है। और झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लगता है कि शायद जनता के अंदर ये चीज़ें जाए, और उसी को लेकर के ये चले हैं। तो ये कानून के मामले में फैल रहे, लोगों की सहायता करने के, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र मित्तल जी बता रहे थे कि साहब हमने शिक्षा में बहुत बड़ा काम कर दिया, ये काम बड़ो बड़ा कर दिया, न स्टूडेंटों को हिंदी के माध्यम वालों को हिंदी में रखा, न अंग्रेजी में रखा। अंग्रेजी की स्कूलें तो खोल दी, टीचर नहीं है वहाँ, टीचर है जो पढ़ाने वाले नहीं हैं वहाँ पर, प्रिंसिपल 1000 करीब ऐसे हैं जो उनके प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं है। तो ये स्थिति राजस्थान की है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो टीचर छोड़ छोड़ के चले गए, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप अंग्रेजी में पढ़ाइए। अरे आप जो मातृभाषा में है, जिसके अंदर भारत का प्रधानमंत्री विश्व में छा गया है, हम किसी भाषा की वो नहीं सिखाएं? लेकिन ये क्या चाहते हैं, ब्रिटिश कालीन की वो अंग्रेजी को ला करके फूट डालो राज करो वो नीति चमनाना चाहते हैं। हिंदुत्व की आपने बात करी, देखो सनातन संस्कृति सनातन धर्म को ये लोग जरूर है उसका, कहीं ना कहीं अभी मुख्यमंत्री का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था 2 दिन पहले, और इनके एक मंत्री जी का भी आया कि साहब धर्म के आधार पर अगर वोट मिले तो भाजपा को कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है। अरे धर्म की राजनीति आपने की, क्या व्यक्ति सनातन धर्म हिंदुस्तान में रह करके हिंदू तो यह हिंदू की बात नहीं करेगा, सनातन की बात नहीं करेगा? मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है कि ये लोग अपने धर्म की बात नहीं करें, सनातन की बात नहीं करें। सनातन धर्म वो धर्म है और वो संस्कृति है जो विश्व मानवता के कल्याण की कामना करती है, वह न कोई जाति देखती न धर्म देखता, वसुधैव कुटुंब की बात को लेकर के, उसको संकल्प को लेकर के कार्य करते, उसी का परिणाम है कि आज विश्व पटल पर देश के प्रधानमंत्री का किस तरह सम्मान होता है और किस तरह से उनका आगमन पर अभिनंदन होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये कांग्रेस के लोग जिस तरह के झूठ बोल करके लोगों को भटकाना लटकाना, उसके बाद में एक जिस तरह का इन्होंने कार्य किया, कुशासन दिया, उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर भी ये बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
ऐसा हमारा पक्का मानना है। चलिए सर, फिलहाल तो रुझान जो आने शुरू हुए हैं, हर वक्त जो है पल पल के आंकड़े बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल आप दोनों से, मैं मेरा यही होगा कि भाई नारी शक्ति अधिनियम बिल, जिस पर कांग्रेस भी अपनी वाहवाही लूटती हुई नजर आ रही है, आप कह रहे हैं भाई आपने बिल लाया, आप पास करा लिए, लेकिन इस बार के चुनावों की अगर हम बात करें तो महिला उम्मीदवारों को, महिला प्रत्याशियों को इतने कम जो है, इतने कम महिला प्रत्याशी क्यों हमें देखने को मिले? हमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई इस बार जब नारी शक्ति अधिनियम बिल पास हो चुका है दोनों सदनों में, तो जाहिर तौर पर महिला उम्मीदवारों की संख्या में भी इजाफा होगा, लेकिन आप दोनों से मेरा ये सवाल यही है कि भाई इजाफा ये हमें क्यों नहीं देखने को मिला? शुरुआत राम कुमार जी, मैं आपसे करूंगी। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नारी और महिला के सशक्तिकरण के लिए हमेशा उसके सिद्धांतों में, विचारों में और पार्टी के एजेंडा में और उसके साथ साथ में उनके संकल्प पत्र में ये रहता है। आपने देखा है कि पूरे भारत के अंदर करीब 11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाना, ये इज्जत घर के रूप में जो दिया गया, ये महिलाओं का सशक्तिकरण था। उनको जिस तरह से उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ के अंदर राजस्थान में लाखों का जो फायदा हुआ, वो महिलाओं का सशक्तिकरण था। इसी के साथ में आप देखो, जो महिलाएं धुएं के अंदर होती थी, इन्होंने पूरे 60 वर्ष शासन करने पर भी एक व्यक्ति को भी कोई फ्री सिलेंडर नहीं दिया। आज लास्ट टाइम में ये 500 रुपये के सिलेंडर की बात करते हैं, उसमें सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा है, और हमने आगे वादा भी किया है कि उनका भी हम निराकरण करेंगे। वो भी एक महिलाओं का सशक्तिकरण का काम है। और जो नारी वंदन के रूप में हमने सशक्तिकरण के लिए जो विधेयक लाए हैं, अधिनियम बना है, निश्चित है कि उससे आरक्षण मिलेगा। और ये एक चुनाव के अंदर प्रत्येक पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसके हिसाब से आकलन किया जाता है। जहाँ महिलाएं जीत सकती है महिलाओं को दिया है, और जहाँ पर जो पुरुष आ सकता है पुरुषों को दिया। लेकिन आने वाले समय में ये कांग्रेस सरकार, जिन बिलों को अंदरून पेंडिंग रखा गया, महिलाओं की बात की गई, गरीबों की बात की गई, लेकिन हमारे कार्यकाल में निश्चित है कि आरक्षण का लाभ भी मिलेगा और महिला सशक्तिकरण के अंदर जो हमने घोषणाएं भी करी, घोषणा नहीं होती, वादा और गारंटी होती है, उनका भी हम सशक्तिकरण के कारण उन कार्यों को भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। विकेश और जी, उसी के कारण रिजल्ट जो आज मिलेंगे वही है पूरे तीनों प्रदेश। जी स्वाति मैडम, आप खुद भी एक गृहिणी है, आप भी किसी की घर की, स्वाति जी आप भी गृहिणी है, आप भी किसी की बेटी है, बहन है और माँ है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या सिलेंडर आपने 1100 रुपये का कर दिया, जो 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये में हम भराया करते थे, 500 रुपये से ऊपर कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं गया। हमारे यहाँ पर आप गरीबी का क्षेत्र है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है, सिलेंडर लोगों ने ऊपर लग के रख दिया है, वापिस लकड़ियों से खाना बनाना पड़ रहा है। तब कांग्रेस ने सब्सिडी दी 500 रुपये की, तब महिलाओं का वापिस सिलेंडर के अंदर गैस भरवाई उन्होंने, ये ऐसी स्थिति है। और गरीब बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो किशोरी बालिका है उनकी योजनाओं के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा उठा रही सरकार। आज कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी प्रदान की, किसने की? कांग्रेस गवर्नमेंट ने की, कभी बीजेपी सरकार ने ये योजना बनाई थी? और रही बात टिकटों की, तो हमारे इलाकों में हर जिले में एक एक महिला को टिकट दिया है। और दूसरी बात की, जहाँ पार्षद के चुनाव होते हैं, जहाँ पे जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं, हमारा कांग्रेस की सरकार का आंकड़ा देखिएगा कि महिलाओं को हर वक्त मौका दिया जाता है और महिलाओं को आगे लाया जाता है। खेलकूद के मामले की देखिए, फोगाट बहने वहाँ केंद्र में, वहाँ किस प्रकार से धरने पे प्रधानमंत्री जी के और केंद्र सरकार के खिलाफ बैठी थी, उसके उनके ऊपर कैसी कार्रवाई हुई? तो ये केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किसके खिलाफ हैं और किसके पक्ष में, वो दिखती हुई बात है। लेकिन क्या है कि इन लोगों को इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि बस हम लोग जो कहे वो सही और कांग्रेस जो करे वो गलत। हम एक लोग प्याऊ भी लगाएंगे, महिलाओं के उत्थान की बात भी करेंगे, कोई अच्छा धर्म का काम भी करेंगे, तो इनको इसमें खराबी दिखेगी, क्योंकि इनका काम सिर्फ विरोध करने का है। विरोध करो कांग्रेस को हटाओ, विरोध करो कांग्रेस मुक्त करो। क्या इनके कहने से क्या देश में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? क्या ये ठेका ले रखा है क्या इन्होंने पूरे देश का, कि यही राज करेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है। आज कर्नाटक में देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए, आने वाले समय में तेलंगाना में देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह कांग्रेस की सरकारें वापस आ रही। क्यों आ रही? कि लोगों ने इनको देखा और इनको जांच किया, वापिस महिलाएं भी बंपर रूप में कांग्रेस को वोट दे रही है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए किसकी सरकार बनती है, फिलहाल रुझानों में जो है स्थिति अभी फिलहाल साफ नहीं हुई है, ऊंच नीच जो है लगातार देखने को मिल रही है, बढ़त का भी बीजेपी दर्ज करती हुई नजर आ रही है, बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं कांग्रेस भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। हम विकेश जी आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे, जो मैंने राम कुमार जी से भी किया, जातिगत जनगणना। आपको लगता है जातिगत जनगणना, जिसका मुद्दा लगातार हमने तमाम मंचों से सुना, शुरुआत जातिगत
सिर्फ जनगणना से होती है, उसका कोई बेनिफिट जो है राजस्थान के चुनाव में या अन्य राज्यों के चुनाव में आपको मिलेगा? जातिगत जनगणना के खिलाफ ये क्यों है, कभी भी ये इस बात को स्पष्ट नहीं करते। आज इन्होंने राजस्थान में माइनॉरिटी में एक भी टिकट नहीं दिया, क्या आपके यही नीति है आपकी? और अगर सब जातियों को 3600 कौमों की कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सबको टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी में जो भी योग्य उम्मीदवार होता है, जो जनता की सेवा करता है, जिसका हमेशा प्रोफाइल देखा जाता है कि 10-20 साल से 25 साल से वो किस प्रकार से काम कर रहा। आज हम लोग NSUI की टाइम से काम कर रहे हैं, जनता में कितनी सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के क्या प्रकल्प है। आज हम भी गौशाला चला रहे, हम गायों के नाम पे हम तो कभी वोट लेने नहीं निकले। सबसे सर्वाधिक अगर गायों के लिए पैसा दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है गायों के लिए, और जितने मूक पशुओं का तो वोट भी नहीं करता मैडम, लेकिन उनके लिए भी पैसा दिया। आप मंदिरों के लिए पैसा दिया, हमारे वहां पर माता त्रिपुरा सुंदरी के लिए पैसा दिया, बैरेश्वर धाम के लिए पैसा दिया, हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे हिंदुओं के हो या किसी भी कास्ट के हो, सबके लिए पैसा दिया गया, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन ये एक धर्म की आड़ में कि हम ये कर रहे हैं, हमारा धर्म ये, हमारा क्या, हम सनातनी नहीं है, मैं खुद हिंदू धर्म का नहीं हूं, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता हिंदू धर्म के भी हैं और सभी कास्ट के 3600 कौमों के, लेकिन सिर्फ गाय हिंदू इस प्रकार से लड़ाइयां और इस प्रकार से धर्म के नाम पर बांटना और विभाजन करना वोटों का और ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाना, ये पूरे देश की जनता समझ रही है और देश की जनता ने समझा है। आप सबको भी पता है कि इसके परिणाम क्या थे और इससे देश को अच्छी राह पे नहीं जा रहा है। अगर देश में 3600 कौमों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर तो ये दंगे ही होते रहेंगे, भड़काओ इधर लोगों को, दंगे कराओ और मार्केट बंद रहेंगे। उस व्यक्ति को पूछो जो मार्केट बंद धार्मिक दंगों के कारण से, उस व्यक्ति को पूछो जो लारी लगाता है, जो थड़ी चलाता है, वो दिन के 100 रुपए कमाता है, वो मजदूर को पूछो जो 200 रुपए कमा के घर जाता है, उसके ऊपर बंद का क्या असर पड़ता है? पूरे देश में मेरे पास आंकड़ा है कि पूरे देश में बीजेपी के फैलाए गए दंगों के कारण से, प्री प्लान दंगों के कारण से कितनी बार देश बंद रहा है, कितने जिले बंद रहे, कितना राज्य बंद रहा है। ये सब अब जनता सहन करने वाली नहीं है, पूरे देश के लोगों की आंखें खुल गई है। अब धर्म की आड़ में देखिए, जनता ने अपना फैसला कर लिया है और ये फैसला जो है वो ईवीएम में बैलेट पेपर में दर्ज हो गया है, बैलेट पेपर की गिनती भी जो है वो लगातार जारी है और ईवीएम पर फिलहाल काउंटिंग लगातार जारी है। जनता ने फैसला दे दिया है और लगातार